गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, शाही ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो आज मैं 11 का कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, सम्मिश्र संख्या। ये आज जो है से चौथा क्लास है। पीछे वाला क्लास जो है से आप लोग ठीक से समझे होंगे, तो इसके बाद जो है से समझने का प्रयास करें और शुरू से अंत तक वीडियो को देखें, तभी आपको समझ में आएगा। चूंकि मैथ है, मैथ ऐसे नहीं होगा जब तक जो है शुरू से अंत तक नहीं देखिएगा, थ्योरी ठीक से नहीं समझिएगा, तो फिर उसके बाद कैसे आप बना पाइएगा। आप बहुत इजी वे में जो है से हम समझाए हैं पिछले वीडियो को, सब वीडियो को जो है से देखिएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर ही 11 में शुरू किए थे और यह चौथा क्लास है और आज मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को खत्म कर दूंगा। इसलिए जो है से घर पर पूरा बनाए, देखिए। एक्सरसाइज देखिए, द्विघात समीकरण के बारे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले देखिए, मैट्रिक में पढ़ चुके हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, इसको द्विघात समीकरण कहा जाता है। वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, माने ए का मान जीरो नहीं होना चाहिए। तो देखिए, विवेचक या विविक्त कर, अंग्रेजी में इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। डी बराबर क्या, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, मैट्रिक में ही पढ़े होंगे। तो एक्स का मान जो निकाला जाता है उसके लिए क्या मैट्रिक में फॉर्मूला था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, या अंडर रूट डी नहीं कहना है तो ये कह सकते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का अंडर रूट बाई टू ए। फिर जो है से नेचर ऑफ रूट्स यानी मूलों की प्रकृति के बारे में जो है से क्या, यदि डी लेस देन जीरो, डी का मान जो है जीरो से छोटा होगा यानी निगेटिव होगा, तो मूल जो है से सम्मिश्र राशि होगा यानी काल्पनिक राशि होगा। फिर इसके बाद जो है से कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या में हमने बताया था कि माइनस वन के वर्गमूल को आई कल्पना किया गया है। अगर दोनों तरफ हम इसको वर्ग कर दें तो इधर भी वर्ग करेंगे या इधर भी वर्ग करेंगे तो आई स्क्वायर बराबर माइनस वन, सब पहले क्लास में ही बताया था। और इसको पुनः अगर वर्ग कर दें तो आई फोर बराबर वन आ जाएगा। तो इस तरह से जो है, और यह द्विघात समीकरण का मूल जो है से एक्स का मान कैसे निकाला जाता है, ये फॉर्मूला दे दिए जो मैट्रिक क्लास में ही आप लोग जो है से पढ़ चुके हैं। इसके बाद देखिए, तो देखिए अब एक्सरसाइज जो है से हम शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज आपको क्या शुरू कर रहे हैं, 5.3। तो 5.3 में देखिए, मान लिया पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस थ्री बराबर जीरो, तो इसका मतलब दिस इम्प्लाइज क्या होगा बताइए, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस थ्री। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखिए माइनस वन को हम आई स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं थ्री आई स्क्वायर। आई स्क्वायर के जगह पर माइनस वन हो जाएगा तो इसलिए माइनस थ्री बन जाएगा। तो माइनस थ्री को अगर हम थ्री आई स्क्वायर लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देखिए, तो एक्स का मान अब निकालिए, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, थ्री आई स्क्वायर है, तो थ्री आई स्क्वायर है तो इसका वर्गमूल हो जाएगा, तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा, अंडर रूट थ्री, और आई स्क्वायर का वर्गमूल क्या जाएगा, आई। तो यही जो है से आंसर हो गया। इसके बाद जो है से और आप बना सकते हैं, सब तो उसी प्रकार का है। अब देखिए, मान लिया कि हम 10 नंबर ले रहे हैं, 10 नंबर ले रहे हैं क्वेश्चन, तो 10 ले रहे हैं तो देखिए ये ऐसा है, एक्स स्क्वायर है और प्लस एक्स बाई टू है और प्लस वन बराबर जीरो है। तो इसमें जो है से एक्स का मान निकालना है, यह द्विघात समीकरण आपका है। तो देखिए, इसमें जो है से ए के जगह पर क्या है, तो ए के जगह पर इसमें आपका जो है से वन है, एक्स स्क्वायर का गुणांक वन है। और इसके बाद जो है से बी के जगह पर क्या है, बी एक्स होता है तो एक बटे दू है, और सी के जगह पर आपका ए है। तो पहले डी नहीं होगा तो निकाल दीजिए, तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो बी स्क्वायर का मान कीजिएगा तो एक बटे चार ही आ जाएगा, और माइनस फोर आ ए का मतलब क्या वन, और सी का मतलब वन। तो इस तरह से ये क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा चार, आई क्या आ जाएगा चार चौका सोलह, तो वन माइनस सोलह यानी माइनस पंद्रह आ जाएगा, माइनस पंद्रह बटे चार आ जाएगा। तो एक्स का मान अगर निकालिएगा तो माइनस बी और प्लस माइनस क्या आ जाएगा, अंडर रूट डी और बाई टू ए। अब इसमें जो है से मान बैठा देना है आपको, माइनस बी यानी कि माइनस एक बटे दू, और प्लस माइनस फिर क्या लिख दीजिएगा, अंडर रूट डी, तो अंडर रूट डी के लिखिएगा कि माइनस पंद्रह बटे चार, इसका क्या लिख दीजिएगा, अंडर रूट बाई टू ए।
तो 2 into i का मान 1 है, तो इस तरह से ही आ गया माइनस 1/2 आ गया। अब प्लस माइनस क्या आ गया, इसको लिख दीजिए कितना 15i² कर दीजिए, माइनस है माइनस 15 है, तो माइनस 15 का मतलब हो गया 15 × -1, और माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं i², तो लिख दिए क्या 15i², और इसको क्या अंडर रूट कर दिए, और इसके बाद क्या 4 का वर्गमूल 2 हो गया, तो 2 इसको लिख दिए / 2, फिर जो है सही ऐसे हो जाएगा माइनस 1 लिख दिया, अब प्लस माइनस 2 और 2 है, तो देखिए 2 जो है से एलसीएम हो जाएगा जो नीचे लिख देंगे, और इसको लिख दिए क्या √15i। अब आई क्या आ जाएगा, यह जो है से 2 × 2 यानी 4 आ जाएगा, एक ये 2 है आई जो है से 2 एलसीएम लिए थे वो 2 है, तो इस तरह से जो है से 10 नंबर क्वेश्चन बन गया। तो इसी तरह से जो है से सब इसका क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है और सब इसी तरह का है। ए बी देख लीजिएगा कि ए का मान कितना है, बी का मान क्या है, सी का मान क्या है, और डी निकाल दीजिएगा b² - 4ac से। ए का मतलब क्या है, ए का मतलब आप समझिएगा जो x स्क्वायर का कोफिशियंट है, और बी का मतलब आप समझिएगा कोफिशियंट ऑफ x यानी x का गुणांक, और सी का मतलब कॉन्स्टेंट टर्म है। तो इस तरह से ए बी सी का मान जो है से निकल जाएगा। तो इसमें जो है से पहला और 10वां को जो है से हमने बना दिया है, और इसमें 10 ही प्रॉब्लम था, और बाकी बिल्कुल उसी तरह का है। ए बी सी निकाल के इसी तरह से जो है से बनाइएगा, नहीं बनेगा तो इसके बाद जो है से कमेंट में आप लिखिएगा। इसके बाद आगे का चैप्टर आगे जो है से विविध प्रश्नावली इसका है, तो विविध का कुछ प्रॉब्लम को हम बना दे रहे हैं, और इसके बाद जो है से आगे हम फिर शुरू करेंगे दूसरा चैप्टर दूसरे दिन। तो देखिए इधर अब हम इसको जो है से मिटा रहे हैं, इसके बाद देखा जाए आगे जो है से विविध प्रश्नावली यानी मिसलेनियस क्वेश्चन है, मिसलेनियस है, तो मिसलेनियस में हाँ, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है पूरे प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर दिया, अब उसका कुछ विविध देख रहे हैं मिसलेनियस प्रॉब्लम। तो देखिए अध्याय 5 विविध, तो इस तरह का क्वेश्चन है, i^18 है +1/i^25 है, या पूरे का होल क्यूब है। तो देखिए हम बार बार आपको कह रहे हैं कि i² = -1, i^4 = 1 जो है सो उसको याद रखिएगा। तो देखिए i^18 है तो इसको हम ऐसे लिख दी, तो 4 से बड़ा है तो i^4 है, इस पर 4 दे दिए तो 4×4 = 16 हो गया, i^16 आ गया। i² लिख दिए तो 16 × 2 = 18 हो जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा कि 1^25 देंगे 1 रह जाएगा, i^25 देंगे तो 25 जो है से 4 से बड़ा है तो i^4 दे दिए, और इसके बाद इस पर power 6 दे दिए तो 6×6=24, i^24 हो गया, i लिख दिए यानी i^1 लिख दिए तो 24×1=25 हो गया, यानी i^ जो है से 25 आपका आ गया। तो आप देखिए i^4 = 1 है तो 1 यहाँ रख देंगे, 1^4 i² = -1 देखिए यहाँ पर है तो इसमें -1 दे दिए, i^1/6 हो गया, i × i तो आ गया -1 + 1/i आ जाएगा ही। तो i से क्या किए हम कि ऊपर नीचे गुना कर दिए, तो ये तो -1 है प्लस i हो गया, i आ जाएगा i × i तो i² देखिए यहाँ पर बताया है -1 तो -1 दे दिए, तो ये आ गया -1 और ये -i प्लस है तो माइनस आ जाएगा i का दी होल क्यूब, तो a प्लस b के दी होल क्यूब जो है सो इसको अब हम तोड़ दे रहे हैं, तो अगर इसको तोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा a क्यूब, तो इतना का क्यूब आ जाएगा प्लस 3a² b, तो 3 या a के जगह पर ये है -1 a² × b, तो b के जगह पर क्या -i है, अब प्लस 3ab² तो 3a के जगह पर -1, अब b² तो -i² अब प्लस फिर क्या देंगे b³, तो b के जगह पर -i के क्या देंगे क्यूब दे देंगे, तो अब देखिए ये क्या आ जाएगा -1 है, इस पर power 3 है, -3 बार अगर गुना होगा तो रिजल्ट माइनस में आ जाएगा -1,
आई क्या आ जाएगा, ई माइनस वन है, स्क्वायर करेंगे तो ई तो प्लस, लेकिन ई इसके चलते माइनस आ जाएगा, तो माइनस थ्री आई आ जाएगा। आई क्या आ जाएगा, ई तो प्लस आ जाएगा लेकिन इसके चलते जो है सर फिर माइनस आ जाएगा, माइनस थ्री और ई क्या, यह जो है से आई स्क्वायर आ जाएगा, माइनस थ्री आई स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। और ई क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट जो है से इसका माइनस आएगा, माइनस तीन बार गुना होगा आई क्यू। अब इसको जो है से ऐसे कर दिए, माइनस वन और माइनस थ्री आई और माइनस थ्री आई इंटू माइनस वन लिख दिए, आई स्क्वायर बराबर माइनस वन जो होता है, और इसको जो है से आई क्यूब है, तो आई क्यूब के देखिए ऐसे लिख दे रहे हैं, आई क्यूब है ना, तो इसको लिख दे रहे हैं कि आई स्क्वायर आई इंटू आई, तो आई स्क्वायर बराबर माइनस वन आई इंटू क्या आई, तो मिला जुला के क्या जाएगा आई आ जाएगा। देखिए कॉमा देकर के दे दिए, तो आई क्यूब के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तो आई क्यूब के जगह पर जो है से हम लिख सकते हैं माइनस आई। देखिए आई स्क्वायर इंटू आई, आई स्क्वायर बराबर माइनस वन हो गया, तो माइनस आई, तो इसको जो है से माइनस आई लिखना पड़ेगा, आई माइनस ई वाला माइनस है। तो देखिए माइनस वन और माइनस थ्री आई, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, प्लस थ्री आई क्या आ जाएगा, प्लस आई आ जाएगा। तो अभी जो है फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, तो टू और इसको आई इसको जो है से कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस टू आई, तो थ्री टू माइनस टू आई, यही जो है सेम सर। फिर देखिए आगे जो है से क्वेश्चन लेते हैं, आगे का कोई क्वेश्चन लीजिए। देखिए फोर नंबर क्वेश्चन हम ले रहे हैं, फोर नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है ये। तो देखिए एक्स माइनस आई वाई बराबर आपको दिया है ए माइनस आई बी, वाई दिया है सी माइनस आई डी, इसका जो है सी अंडर रूट दिए हुए है, तो सिद्ध करना है आपको कि एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसको क्या करना है सिद्ध करें, इस तरह का क्वेश्चन है। तो देखिए इसको जो है से हम ऐसे कर रहे हैं कि एक्स माइनस आई वाई बराबर है ए माइनस आई बी अब बाई सी माइनस आई डी आपका है, और इसका अंडर रूट है, तो इसका हम क्या कर रहे हैं कि मोडुलस लेने पर, मापांक लेने पर, तो अगर हम मापांक लेंगे तो एक्स माइनस आई वाई है तो इसका इधर मापांक ले लेंगे, और इधर क्या है ए माइनस आई बी है अब बाई सी माइनस आई डी है, इसका मापांक ले लेंगे, तो इसका मापांक लेंगे तो क्या जाएगा, तो एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस वाई के क्या जाएगा स्क्वायर, और इसका अंडर रूट इस तरह से आ जाएगा। ई क्या आएगा, यह आपका जो आ जाएगा ए माइनस ए स्क्वायर और जोड़ माइनस बी के स्क्वायर अब बाई सी स्क्वायर जोड़ माइनस डी का स्क्वायर, और इसका क्या आ जाएगा, इसको नहीं होगा तो ऐसे सबसे पहले कर देते हैं, वर्ग कर देंगे तो वर्ग कर देंगे, नहीं होगा तो ऐसे छोड़ ही दीजिए। तो देखिए ये ऐसे आ जाएगा दोनों का रूट, आई क्या है यहाँ पर जो है से रूट था ना, रूट जो है से छूट गया था, देखिए ऐसे रूट था, तो ई रूट आपका आ गया ए माइनस आई बी का जो है से मापांक कितना हो गया, सी माइनस आई बी का इतना हो गया, आई फोर रूट है ई वाला रूट है, तो इस तरह से आ गया आपका। अब मान लिया कि अगर हम वर्ग कर दे, वर्ग करने पर अगर कर दें तो वर्ग मान लिया कि करेंगे तो ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अब बराबर क्या आ जाएगा, एक रूट हट जाएगा, तो ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर
बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है, इसका रूट अंदर वाला ही रूट बच गया है। फिर इसका जो है से वर्ग करेंगे, पुनः वर्ग करेंगे, तो पुनः अगर वर्ग हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इसका आ जाएगा दी होल स्क्वायर। अब ये रूट जो है से हट जाएगा, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर जोड़ डी स्क्वायर, इस तरह से आ जाएगा। प्रूव करने के लिए इतना दिया हुआ था, यह जो है से क्वेश्चन में मिस हो गया है, यह ऐसे होना चाहिए। किसी सिन्हा के बुक देख लीजिएगा, उसमें मिल जाएगा ये सही क्वेश्चन। यह जो है से दी होल स्क्वायर इस बुक में छूट गया है, तो एक स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर का दी होल स्क्वायर बराबर इतना होगा, तो देखिए सिद्ध हो गया। तो इस तरह से जो है सही क्वेश्चन जो है सिद्ध हो गया आपका। और जो है से आगे हम देखते हैं, और देखिए जो भी थ्योरी दिए हैं सभी थ्योरी को जो है से शुरू से अंत तक बारीकी से आपको देखना है, तभी जो है से समझ में आएगा। कोई भारी भारकम जो है से थ्योरी नहीं था, थ्योरी को बढ़िया से समझिए और इसके बाद जो है से सारा प्रॉब्लम जो है से बन जाएगा। मापांक वगैरह सब हम बताए हैं, उसी तरह से जो है से क्वेश्चन को हम बना रहे हैं। इसके बाद देखिए तो 16 नंबर क्वेश्चन बना दे रहे हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि x प्लस आई वाई का दी होल क्यूब, यह आया हुआ क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग में भी आया हुआ क्वेश्चन है, बराबर u प्लस आई वी। तो इसके बाद क्या है कि u बाई एक्स प्लस भी बाई वाई बराबर चार इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको क्या करना है टू प्रूव, यानी इसको जो है सिद्ध करना है। तो देखिए इसको सिद्ध कर रहे हैं, तो देखिए यह क्या है, यह गिवन दिया हुआ है, इसको सिद्ध करना है। देखिए यहां से सबसे पहले दी होल क्यूब इसको तोड़ दे रहे हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये एक्स क्यूब प्लस थ्री स्क्वायर बी, तो थ्री स्क्वायर बी की जगह तो ही हो जाएगा प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का मतलब इतना स्क्वायर हो जाएगा, आप प्लस बी क्यूब, तो बी क्यूब का मतलब क्या आ जाएगा, बी क्यूब का मतलब आ जाएगा आई क्यूब और वाई क्यूब, ऐसे आ जाएगा। अब बराबर क्या आ जाएगा, यू प्लस आई भी। अब इसके बाद देखिएगा एक्स क्यूब अब प्लस क्या थ्री एक्स स्क्वायर वाई, या यहाँ आई लिख दे रहे हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लस तो देखिए आई स्क्वायर बराबर क्या होता है, माइनस वन, आई स्क्वायर बराबर आपको माइनस वन, तो इसलिए आ जाएगा माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा। आई स्क्वायर का मान माइनस वन बैठा दे, इसके चलते जो है सही माइनस हो गया। अब देखिए यहाँ पर आई क्यूब है, तो आई क्यूब को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए एक बार समझा दे रहे हैं। आई क्यूब को लिख देंगे आई स्क्वायर इंटू आई, और वाई स्क्वायर बराबर माइनस वन, तो माइनस आई आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा माइनस क्या, माइनस आई आ गया, तो माइनस वाई क्यूब और आई बराबर क्या है, यू प्लस आई भी। अब क्या कर रहे हैं कि इसको सेपरेट कर रहे हैं, सेपरेटिंग यानी अलग करने पर सेपरेटिंग, तो सेपरेट करेंगे तो देखिए रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के बराबर। तो रियल पार्ट उसको कहा जाता है, इमेजिनरी पार्ट उसको कहा जाता है जिसमें आई रहे, और रियल उसको कहा जाता है जिसमें आई नहीं रहे। तो देखिए इसका रियल पार्ट जो है नहीं होगा, तो रियल पार्ट को पहले सजा देते हैं, ऐसे सजा दीजिए एक लाइन में एक्स क्यूब, और देखिए इसमें नहीं है तो माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर, इसको एक जगह लिख दीजिए, आई है आई यहाँ है तो इसको एक जगह लिख दीजिए थ्री एक्स स्क्वायर वाई, अब माइनस क्या वाई क्यूब और आई जो है से कॉमन ले लीजिए बराबर यू प्लस क्या आ जाएगा आई भी। अब सेपरेटिंग कीजिए, सेपरेट इसको कीजिए, सेपरेटिंग अगर इसको हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, रियल पार्ट देखिए रियल पार्ट ही रियल पार्ट के बराबर हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा यू बराबर क्या आ जाएगा बताइए,
तो एक्स क्यूब और माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर, और इसके बाद भी बराबर किया जाएगा, ये बताइए। तो देखिए भी का मतलब क्या है, आई का कोफिशियंट हाई के साथ गुना, हाई के साथ इधर जो है से इतना गुना, तो इसके बराबर करेंगे तो ये आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब आ जाएगा। अब नहीं होगा तो एक्स दोनों में दिखाई दे रहा है, एक्स कॉमन ले लीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर आ गया। और यहां देखिए इसमें जो है तो यू बराबर इतना आ गया, अब इसके बाद इसमें जो है से वाई कॉमन दिखाई दे रहा है तो वाई कॉमन ले लीजिए तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर। अब नहीं होगा तो ऐसे कर दीजिए यू बाई एक्स कर दीजिए, या जो है से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर यही बात आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स ऐसे गुना हो जाएगा, तीन चीज आ जाएगा। अब इसके बाद इसको भी बाई वाई लिख दिए, भी बाई वाई बराबर तो ये क्या आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो यही चीज आ जाएगी। अब यू बाई भी आई क्या है, भी बाई वाई है, यू बाई एक्स है, तो देखिए दोनों बराबर इतना सीधे करना है तो दोनों को जोड़ते हैं। तो अब क्या हम करते हैं, अब कुछ नहीं कर रहे हैं, यू बाई एक्स और जोड़ भी बाई वाई, तो ये दोनों जोड़ रहे हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर और माइनस थ्री वाई स्क्वायर ये चीज लिख दिया, प्लस थ्री एक्स स्क्वायर और माइनस क्या लिख दिया वाई स्क्वायर, तो ये आपको आ गया क्या फोर एक्स स्क्वायर, तीन एक चार आ जाएगा, ये भी आ जाएगा क्या माइनस फोर वाई स्क्वायर। सिद्ध करना है वो देखिए, देखिए चार कॉमन ले लिया है, चार हम भी कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर। तो इस तरह से जो है ये प्रॉब्लम भी जो है से बन गया, यह इम्पोर्टेंट था, काफी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम था। इसके बाद देखिए मान लिया कि 20 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, तो क्या है कि 1 प्लस आई और 1 माइनस आई है, और इस पर पावर m है बराबर 1 कह रहा है, तो m का न्यूनतम पूर्णांक मान क्या होगा, एम का न्यूनतम पूर्णांक मान क्या होगा इसको जो है सब बताना है। तो देखिए इतना बराबर अगर वन है तो इतना बराबर वन है तो इसके बाद जो है से इसको ऐसे कर दीजिए, दिस इंप्लाइज वन प्लस आई है, आई वन माइनस आई है, इसका परमेयीकरण कर देते हैं तो नीचे वाला का परमेयीकरण किया जाता है, वन माइनस आई है तो वन प्लस आई से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, इस पर पावर एम दे रहे हैं इतना बराबर वन लिख रहे हैं। अब इसके बाद देखिए वन प्लस आई है, वन प्लस आई है तो वन प्लस आई का द्विहोलस्कार हो गया, उसको तोड़ दे रहे हैं तो वन प्लस टू आई और प्लस क्या जाएगा आई स्क्वायर, आई है ए प्लस ए माइनस बी या ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब की आई स्क्वायर, इस पर पावर क्या है एम है, इतना बराबर वन आपको दिए हुए, तो आई स्क्वायर बराबर तो माइनस वन होता है, आई स्क्वायर बराबर हम आपको बार बार बता रहे हैं कि माइनस वन इसको याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या इसको लिख देंगे कि वन और प्लस टू आई और माइनस वन लिख दिया आई स्क्वायर के जगह पर, आई है वन और माइनस आई स्क्वायर के जगह पर माइनस वन, इस पर पावर क्या है एम बराबर वन आपका, तो ये तो कट गया, कट गया तो अभी क्या आ गया टू आई अब आई टू, इस पर पावर क्या आ गया एम बराबर वन है, तो दो और दो तो कट गया, तो आई को पावर एम बराबर अगर वन है तो हम आपको बार बार बताए हैं कि आई फोर बराबर क्या होता है वन, तो आई को पावर एम बराबर अगर वन है तो दिस इम्प्लाइज, यह आपको जो है इम्प्लाइज क्या करता है कि एम का न्यूनतम मान जो है से चार होगा, एन का एम का न्यूनतम मान अगर चार होगा तब ना आई फोर बराबर वन आ जाएगा, तो एम का मान क्या हो जाएगा चार, यही आपका जो है से आंसर हो गया। इसके बाद जो है से आगे देखिए, आगे हम बना रहे हैं उसको ध्यान दीजिए, बिल्कुल जो है से जैसे जैसे थ्योरी दिए हैं बिल्कुल थ्योरी पर ही जो है से सब आधारित क्वेश्चन है, सिर्फ आपको जो है से समझने की जरूरत है, ध्यान से जो है से समझने की जरूरत है, और बाकी जो है
से वैसा कुछ नहीं है। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, उस 19 नंबर क्वेश्चन आपका है कि a प्लस आई डी और फिर क्या है कि c प्लस आई डी, फिर आपका क्या है कि e प्लस आई एफ, फिर आपका क्या है कि g प्लस आई एच, इस तरह का है g प्लस आई एच बराबर दे रहा है कि a प्लस आई बी, ए प्लस आई बी आपको दे दिया। तो सिद्ध करना है कि ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बराबर, आपको सिद्ध करना है कि ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बराबर, देखिए बड़ा ए स्क्वायर जोड़ बड़ा बी स्क्वायर बराबर, सिद्ध करना है कि ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर जोड़ डी स्क्वायर स्क्वायर जोड़ एफ स्क्वायर जी स्क्वायर जोड़ एच स्क्वायर, इस तरह से इसको क्या करना है टू प्रूव, यानी इसको जो है सिद्ध करना। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं इसको कि सबसे पहले जो है से इसको मापांक हम ले रहे हैं दोनों तरफ, दोनों तरफ मापांक माने मापांक लेने पर तो अगर मापांक हम लेंगे तो ए प्लस क्या है आई बी है और इसके बाद C प्लस आई डी है और इसके बाद E प्लस आई एफ है, इसके बाद आपका G प्लस आई एच है, फिर इसके बाद A प्लस क्या है आई बी है। तो मापांक देखिए ले रहे हैं दोनों तरफ मापांक ले रहे हैं, तो अगर मापांक लेंगे तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा आपको ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, यह आ जाएगा सी स्क्वायर जोड़ डी स्क्वायर, किया जाएगा ई स्क्वायर जोड़ एफ स्क्वायर, आई आ जाएगा जी स्क्वायर जोड़ एच स्क्वायर, एच स्क्वायर आई पूरे का किया जाएगा अंडर रूट आ जाएगा, मापांक में अंडर रूट होता है, आई इधर किया जाएगा बराबर में ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर आई इसका भी अंडर रूट जाएगा। अब क्या हम लिख देंगे कि वर्ग करने पर, तो अगर वर्ग करने पर हम लिखेंगे तो देखिये रूट इधर का उधर का दोनों रूट हट जाएगा, तो यह आ जाएगा ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर और सी स्क्वायर जोड़ डी स्क्वायर और ई स्क्वायर जोड़ एफ स्क्वायर और फिर आ जाएगा जी स्क्वायर जोड़ एच स्क्वायर, जी स्क्वायर जोड़ एच स्क्वायर बराबर किया जाएगा ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। तो इस तरह से जो है सही आपका प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह का ही क्वेश्चन था। अब इसके बाद देखिए आगे जो है से मिटा करके हम बना रहे हैं, इसके बाद अब जो है से क्वेश्चन को देखिए आप क्या क्वेश्चन कह रहा है, प्रत्येक बनाइएगा, अगर आपसे नहीं बनेगा तो आप कमेंट कीजिएगा या पूछिएगा उसमें, तो हम समझ जाएंगे और आपका जो है हम क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर जो है से क्या होगा। अब देखिए एक क्वेश्चन है 17 नंबर आपका क्या क्वेश्चन है, देखिए कि अल्फा और बीटा जो है से भिन्न सम्मिश्र संख्याएं हैं, तो अल्फा जो है अल्फा बराबर क्या है कि एक्स वन प्लस आई वाई वन मान लेते हैं और बीटा बराबर आपका है, बीटा बराबर हम मान लेते हैं एक्स टू प्लस आई वाई टू, ये दो सम्मिश्र संख्या हो गया। और इसके बाद दे रहा है कि बीटा का मापांक जो है ये क्या कर लिया, ये हम माना अब बीटा का मापांक एक दिया हुआ है गिवेन, तो जब बीटा का मापांक एक दिए हुए है तो इसका जब हम मापांक निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा आप बता दीजिए, एक्स टू स्क्वायर और प्लस क्या आ जाएगा वाई टू स्क्वायर और इसका अंडर रूट बराबर वन आ जाएगा। अगर इसको हम वर्ग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वर्ग करने पर तो यह आ जाएगा एक्स टू स्क्वायर जोड़ वाई टू स्क्वायर बराबर वन आ जाएगा, इतना रिजल्ट आ गया, इतना मतलब हुआ। तो कह रहा कि बीटा माइनस अल्फा और बटा वन और प्लस अल्फा बार इंटू बीटा का मापांक जो है से आपको बताना है कि क्या होगा, यह जो है से आपका क्वेश्चन है कि इसका अगर हम मापांक निकालेंगे तो क्या आएगा,
इसको बताना है। तो देखिए बिल्कुल जो है से आराम से हम लोग इजी वे में बनाएंगे सारा। जब थ्योरी बना बता चुके हैं तो क्वेश्चन कैसे नहीं बनेगा, क्वेश्चन तो बिल्कुल आराम से बनेगा। तो देखिए इसको हम लेकर के चलते हैं कि बीटा माइनस क्या है, बीटा माइनस अल्फा है। तो बीटा का नहीं होगा तो मान दे दीजिए, तो एक्स टू प्लस आई वाई टू, अब माइनस क्या है अल्फा, तो अल्फा का मान क्या दे दीजिएगा, एक्स वन आई माइनस हो जाएगा, प्लस है लेकिन ही माइनस वाई, इसको माइनस कर देगा, माइनस आई वाई वन बाई अब आइए वन प्लस है तो वन लिख दिए प्लस, क्या है अल्फा बार है, बार का मतलब होता है संयुग्मी, तो अल्फा बार अगर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, अल्फा का संयुग्मी माने कंजुगेट, तो ये हो जाएगा एक्स वन माइनस आई वाई वन हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, संयुग्मी है इसका। तो इसको लिखिए एक्स वन माइनस आई वाई वन, इसको गुना किससे करना है, इंटू बीटा, तो बीटा का मतलब है एक्स टू प्लस आई वाई टू, इस तरह का। इसका जो है से क्या है मापांक है, देखिए मापांक निकालना है, तो इसका मापांक बराबर अब निकालते हैं, तो रियल को एक जगह कर दीजिए, इमेजिनरी को नहीं होगा तो एक जगह कीजिए, तो देखिए एक्स टू माइनस क्या एक्स वन ऐसे कर दीजिए, और इसके बाद क्या माइनस, देखिए आई है आई इसमें गुना है, तो प्लस क्या कर दिए कि वाई टू माइनस वाई वन, और इसके बाद जो है से आई कॉमन ले लिए बाय, अब देखिए वन प्लस आई तो गुना करना पड़ेगा, तो पहले इसमें इसमें गुना कीजिए, तो एक्स वन एक्स टू, फिर इसमें कर दीजिए तो प्लस क्या जाएगा एक्स वन इंटू आई वाई टू, अब इसमें कीजिए तो माइनस क्या जाएगा एक्स टू इंटू आई वाई वन, अब इसमें कीजिए तो माइनस क्या जाएगा आई स्क्वायर वाई वन वाई टू, इस तरह से आ जाएगा। इसका क्या है मापांक है, तो मापांक लिख दिए हैं, अब बराबर आइए, अब इसमें क्या है कि ऊपर वाला का मापांक तो हम आराम से निकाल ले सकते हैं, देखिए रियल पार्ट है एक्स, इसमें आई गुना नहीं है, इसमें आई गुना है तो यह जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन का दी होल स्क्वायर, अब प्लस क्या आ जाएगा वाई टू माइनस वाई वन का दी होल स्क्वायर, आ इसका क्या आ जाएगा अंडर रूट आ जाएगा अंडर रूट बाई, चलिए इसको जो है से रियल इमेजिनरी है तो रियल इमेजिनरी को जो है से अलग अलग कर दीजिए, तो वन प्लस एक्स वन एक्स टू, अब प्लस क्या लिख दीजिएगा एक्स वन वाई टू इंटू आई वाला लिख दिए, अब माइनस क्या लिखिएगा एक्स टू आई वन इंटू आई, आई देखिए आई स्क्वायर बराबर माइनस वन होता है तो प्लस आ जाएगा प्लस वाई वन वाई टू, और इसका जो है से मापांक है नीचे वाला का मापांक अभी नहीं तोड़े थे, सिर्फ ऊपर वाला का मापांक लिख दिए थे, अब इसके बाद आ जाइए एक्स वन माइनस एक्स टू माइनस एक्स वन है, एक्स टू माइनस एक्स वन का क्या है दी होल स्क्वायर है, अब प्लस वाई टू माइनस वाई वन का दी होल स्क्वायर है, इसका क्या है अंडर रूट है अब बाय, और इसके बाद आ जाइए इसको रियल पार्ट को एक जगह कर दीजिए, तो वन प्लस एक्स वन एक्स टू, देखिए आई इसमें नहीं है, फिर आई जो है इसमें भी नहीं है तो इसको भी यहां लाइए वाई वन वाई टू, इसको एक जगह ऐसे घेरिए, और फिर क्या लिखिएगा कि प्लस आई वाला एक जगह ले आइए इसको तो यह आ जाएगा एक्स वन वाई टू अब माइनस एक्स टू आई वन, यहाँ क्या आ जाएगा आई आ जाएगा, इसका क्या है मापांक है आपका, अब इसके बाद ही क्या आ जाएगा, अब जो है से इसको अगर हम तोड़ेंगे तो आ जाइए तोड़ लीजिए इसको, तो एक्स टू स्क्वायर जोड़ एक्स वन स्क्वायर, ये माइनस बी के दिवल स्क्वायर तोड़ रहे हैं, माइनस टू एक्स वन एक्स टू, अब प्लस इसको तोड़ लीजिए, तो तोड़ लीजिएगा तो क्या आ जाएगा वाई टू स्क्वायर अब प्लस वाई वन स्क्वायर अब माइनस टू वाई वन वाई टू,
ऐसे आ जाएगा। अब वाई इसको जो है से बनाइएगा तो इसका मापांक नीचे वाला क्या निकालिएगा, तो वन प्लस एक्स वन एक्स टू प्लस वाई वन वाई टू, इसका क्या आ जाएगा दी होल स्क्वायर, प्लस एक्स वन वाई टू माइनस एक्स टू वाई वन, इसका क्या आ जाएगा दी होल स्क्वायर, इसका भी दी होल स्क्वायर आएगा, इसका क्या आ जाएगा अंडर रूट आ जाएगा, पूरे का अंडर रूट आ जाएगा, इसलिए कि ऊपर भी अंडर रूट था तो ये पूरे का अंडर रूट आ गया, इस तरह से आ गया। तो आप देखिए यहाँ पर क्या है कि एक्स टू स्क्वायर जोड़ वाई टू स्क्वायर बराबर आपका वन है, तो देखिए एक्स टू स्क्वायर जोड़ वाई टू स्क्वायर बराबर वन आ जाएगा, तो यहाँ पर जो है से वन हम रख देंगे, तो वन रख देंगे तो यह जो है से और अभी मिटाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर जो है और लंबा करना पड़ेगा। अब क्या है कि रियल को एक जगह लिख दिया, इमेजिनरी जिसके साथ हाई गुना रहता है उसको एक जगह लिख दिए, तो ये ऐसे आ गया। यहाँ पर अल्फा बार इंटू बीटा था तो अल्फा बार इंटू बीटा किए तो देखिए ऐसे आ गया, गुना करने के बाद तो देखिए यहाँ पर माइनस था, तो माइनस था तो अभी ब्रैकेट हटा तो देखिए ये जो है से चिन्ह बदल गया सबका। अब जो है से रियल इमेजिनरी के रूप में कर लिए नीचे वाला के भी। अब मापांक ले लिए तो देखिए मापांक लिए तो इसका भी होल स्क्वायर जोड़ इसका भी होल स्क्वायर आ गया, और नीचे वाला के भी रियल इमेजिनरी के रूप में देखिए कर लिए तो इस तरह से आ गया। और बी प्लस सी के होल स्क्वायर पर तोड़ दिए तो ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए पर टूट गया। देखिए तो ये वाला जो है से क्या है एक्स टू स्क्वायर जोड़ वाई टू स्क्वायर को एक जगह सजा लिए, एक्स वन स्क्वायर जोड़ वाई वन स्क्वायर माइनस टू एक्स वन एक्स टू इंटू वाई वन वाई टू ये वाला है। फिर इसके बाद हमने क्या किया कि इसको ए प्लस बी प्लस सी पर तोड़ लिया और इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ लिया माइनस को ध्यान में देते हुए। तो देखिये ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी आ गया, इस तरह से आ गया। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि देखिए इसके जगह पर तो वन लिख दिए तो ऐसे आ गया ऊपर वाला। अब देखिए यहाँ पर एक्स वन स्क्वायर है, यहाँ पर एक एक्स वन स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो इसमें एक्स वन स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें तो एक्स टू स्क्वायर जोड़ वाई टू स्क्वायर आ गया। यहाँ वाई वन स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ वाई वन स्क्वायर, ये वाई वन स्क्वायर कॉमन लीजिए तो वाई टू स्क्वायर जोड़ एक्स टू स्क्वायर बराबर वन दिए हुए था, तो वो जो है से इसका मान बैठा लीजिए तो इस तरह से ऊपर नीचे दोनों सेम आ गया, तो क्या हो गया ये कट गया तो बराबर वन आ गया। तो इस तरह से जो है सही कुछ लंबा हिसाब बना, तो मिसलेनियस में कुछ कुछ लंबा होता है, और आप लोग से अगर नहीं बनेगा इसमें मिसलेनियस में तो पूछिएगा, ऐसे हम अधिकांशता बना ही दिए। तो क्या है कि आज जो है से बस इतना ही जो है के साथ क्लास को ऑफ करते हैं, आप लोग शुरू से अंत तक जो है से वीडियो देखिए तभी मैथ समझ में आएगा, और मिसलेनियस में अगर कुछ ना बन रहा होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा तब हम समझेंगे कि आप लोग को जो है आप बना रहे हैं घर पर आपको बनाने की उत्सुकता है तो, और जो नहीं बना होगा उसको हम बना देंगे, बहुत इजी वे में बनाएंगे, जो भी कंसेप्ट दिए हैं उसी के आधार पर बनाएंगे। आपसे सिर्फ निवेदन है कि आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखें तभी आपको मैथ समझ में आएगा, अन्यथा मैथ हिंदी नहीं है कि आप कहानी जैसा पढ़ लीजिएगा और समझ जाइएगा। इसलिए कोरोना काल का पूरा फायदा उठाएं, आप जो है से अपने कमी को जो है से भरपाई कमी को जो है से हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, और शुरू से अंत तक वीडियो देखिए तभी जो है से कुछ हो पाएगा। इसी के साथ जो है से मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।